हेलो एवरीवन, होपफुली आप लोग सब बढ़िया होंगे। सो एक अपडेट आ रही है, एक अर्जेंट नोटिस आप लोगों का एनटीए ने रिलीज करा है। मैं थोड़ा सा इसमें जो मेजर पॉइंट्स है वो आप लोगों को कवर करके बता देता हूँ, ठीक है। इसमें ये एनटीए का कहना ये है, द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एनटीए टू कंडक्ट द एग्जामिनेशन एंड डिक्लेयर द रिजल्ट बेस्ड ऑन द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया प्रोवाइडेड बाय नेशनल मेडिकल कमीशन। कहने का मतलब ये है कि एनटीए का जो काम है, ठीक है, वो एग्जाम को कंडक्ट कराना और रिजल्ट को डिक्लेयर करना, वो जो भी आप लोगों का कहते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो एनएमसी ने दिया है उसके अकॉर्डिंगली रिजल्ट बनाना, ठीक है, और उसको डिक्लेयर करना, ठीक है। तो कैंडिडेट सबमिटेड देयर कैटेगरी एज पर द नेशनल कैटेगरी लिस्ट एंड बेस्ड ऑन द सेम रिजल्ट हैज बीन डिक्लेयर। मतलब जो कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने अपनी, जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों से जब क्या कहते हैं, जब काउंसलिंग के लिए आप लोगों के मतलब कैटेगरी मांगते हैं, ठीक है, तो वो आप अपनी जो भी आपकी कैटेगरी होती है जो नेशनल कैटेगरी लिस्ट के अकॉर्डिंगली आप लोग भरते हैं, ठीक है, और इसी के अकॉर्डिंगली आप लोगों का जो कैटेगरी वाइज रिजल्ट डिक्लेयर होता है, ठीक है। एनटीए हैज प्रोवाइडेड ऑल इंडिया रैंक टू द कैंडिडेट्स एंड एडमिटिंग अथॉरिटीज विल ड्रॉ अ मेरिट लिस्ट बेस्ड ऑन, मतलब एनटीए ने आप लोगों को इसी जो भी डाटा आप लोगों ने प्रोवाइड करा है ना उसके उसके रिगार्डिंगली आप लोगों को क्या कहते हैं ऑल इंडिया रैंक दी है और इसी के अकॉर्डिंगली, मतलब जो डाटा आपने प्रोवाइड करा है मेरिट बनेगी और उसी के अकॉर्डिंगली आप लोगों को एडमिशन मिलेंगे, ठीक है, चाहे एमबीबीएस हो बीडीएस हो, ठीक है, ओके। आगे लिखती है एनटीए, व्हेन कैंडिडेट्स अप्लाई टू देयर स्टेट दे विल मेंशन देयर कैटेगरी एज पर देयर स्टेट कैटेगरी। मतलब आप अगर अपनी स्टेट काउंसलिंग के लिए अप्लाई करते हैं तो जो भी आप लोगों की स्टेट कैटेगरी है, जैसे फॉर एग्जांपल किसी स्टूडेंट की ऑल इंडिया लेवल पे जो कैटेगरी है वो जनरल है और स्टेट कैटेगरी आप लोगों की ओबीसी है, ठीक है, तो आप स्टेट लेवल पे अपनी जो स्टेट कैटेगरी है वो लिखेंगे, ठीक है, वो रजिस्टर करेंगे और आपकी जो फिर स्टेट काउंसलिंग होगी उसमें आप लोगों की मेरिट जो बनेगी वो जो डाटा आप लोगों ने स्टेट अथॉरिटीज को दे रखा है ना काउंसलिंग के लिए, जो भी कैटेगरी आप लोगों ने दे रखी है स्टेट काउंसलिंग के लिए वो मैटर करेगी और उसी के अकॉर्डिंगली आप लोगों की मेरिट लिस्ट बनेगी, ठीक है। When candidates apply to their state, they will mention their category as per the state category. State counseling authorities will accordingly make their merit lists. The same is the case with the domicile. और यही domicile के उसमें होगा, ठीक है, domicile जहाँ का होगा वहीं का आप लोगों का क्या कहते हैं merit list वगैरह बनेगी। The NTA has no role with, ठीक है, no role in it and no change in any data will made by NTA. मतलब NTA का इसमें फिर कोई role नहीं है और कोई भी data NTA के द्वारा change नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो ये सब important update आप लोगों को NTA ने दी है, ओके, होपफुली काउंसलिंग जल्द से जल्द हो और सारी चीज़ें आप लोगों को जो भी होगा मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगा। और बाकी थोड़ा सा अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह बिल्कुल रेडी रखो, काउंसलिंग जैसे ही सब कुछ होता है आप लोगों को तुरंत तुरंत, क्योंकि भाई कोई किसी का इंतजार नहीं करेगा यहाँ पे, आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स अपने एंड से बिल्कुल प्रॉपर होने चाहिए और रेडी होने चाहिए, ठीक है। होपफुली आप लोगों को चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और एक और अपडेट जाने से पहले आप लोगों को बता देता हूँ, 2022 और 23 के लिए हम लोगों की बायोलॉजी की फ्री क्लासेस अनअकैडमी पे चल रही है, ठीक है, जिसमें हम लोग टॉपिक वाइज एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर रहे हैं। लास्ट ईयर काफ़ी स्टूडेंट आए थे और बहुत अच्छा अच्छा स्कोर लेके गए हैं, ठीक है, 350-340 बहुत स्टूडेंट्स के आए हैं, क्योंकि हम लोग पी वाई क्यू सिर्फ नीट के नहीं और मेडिकल एग्जामिनेशन के पी वाई क्यूज को भी कंसीडर करते हैं और उनकी प्रैक्टिस करते हैं। तो आप लोग चाहो तो वो भी ज्वाइन कर सकते हो, फ्री क्लासेस है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, टाइमिंग्स टेलीग्राम ग्रुप में आ जाती है, टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ओके। और अनअकैडमी एप्लीकेशन डाउनलोड करो तो क्लास में एंट्री के लिए कोड मांगता है, तो कोड जो चैनल का नाम है ना अविरल ब्लॉग्स, आप लोग वो अप्लाई कर दीजिए, क्लास में फ्री एंट्री हो जाएगी, ठीक है। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कोई नई अपडेट के साथ।